सरकार की तरफ से गरीबों की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जिन लोगों को उन योजनाओं की जरूरत होती है उन्हें प्रशासन के अडवेल रवैये और पक्षपात की वजह से कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। ऐसा ही एक मामला सामने आया है चंबा से, रिपोर्ट में देखिए। सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा तब है जब जरूरतमंद को इसका लाभ मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना, इनका लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। चंबा में अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, लेकिन फिर भी जरूरतमंद लोग इस तरह की योजनाओं से वंचित है। ये है खेलकनु देवी, जो अपने भाई अमरचंद के साथ जर्जर मकान में रहती है। अमरचंद को दिखाई नहीं देता, दोनों जिस मकान में रहते हैं यह मकान कभी भी टूट सकता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दिन रात इनको डर सताता रहता है कि कहीं मकान न गिर जाए। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें इनकी बेबसी को बयान कर रही है। मेरे को ये समस्या है कि जो हमारा मकान है वो टूटने वाला है, भारी वर्षा के साथ भी टूट सकता है और भारी बर्फ के साथ भी टूट सकता है। बर्फ तो आने वाला वक्त दूर है, अभी तो बरसात के मौसम में जब भारी वर्षा होगी तो ये मकान जो है वो गिरकर हम लोग इसके नीचे दब के मर जाएंगे। हमारे को ना कोई सरकारी सुविधा मिली है, ना हमारे को कोई घर मिला है, ना गौशाला मिला है, ना कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिली है सर। शौचालय भी नहीं मिला है, कोई पैसे मिले ना, कोई सरकारी कोई भी पैसा नहीं मिला है सर। अमरचंद की बहन खेलकनु देवी ने कहा कि 18 साल पहले उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था, तब से वो यहीं रहती है, लेकिन घर की हालत ऐसी है कि हमेशा डर बना रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए। जी हम इतने भाई रहे घर हमारा रहेंगे ते मेरा घर चल गया और को 18 साल हो गए साहब से जरा भी किचन मिल रहा ते भाई रे घर हम दिन गुजार दे पर दबी घर मारे गए हम साहब हेर ले जहाँ के तो ये समस्या आई हेर ले घर जी नाश बज गए और घर च गिरने वाला ना दो मजला घर ना माल दबी गाने मन दबी गाने कुछ गाना जैसे मुश्किल ने माँ ने बाप ने निर्जली प्राणी। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 2576 यानी 2576 मकानों का निर्माण चंबा जिले में किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इतने मकान बनने के बाद भी जिन लोगों को वाकई में मकान की जरूरत है उन्हें मकान नहीं मिले तो फिर इस योजना का फायदा क्या है। चंबा से खबरें अभी तक के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट।